आगे बढ़ेंगे यहां से अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है लोहा बाजार से, यानी कि सरिया की। तो आपको बता दें कि सरिये के दामों में करीब 15 दिन से गिरावट लगातार जारी है। तेजी की ओर जाते सरिये के दामों में आई इस मंदी ने व्यापारियों को अब तोड़कर रख दिया है। बाजार में तमाम व्यापारियों ने स्टॉक भरना ही बंद कर दिया है। खास बात यह है कि दाम में गिरावट के बाद भी बाजार में मांग घटती दिख रही है। उतार चढ़ाव से परेशानी व्यापारियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। सरिये के दाम मार्च में 70,000 रुपये प्रति टन के आसपास थे, जो कि अप्रैल में बढ़कर 76,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गए थे। वहीं मई में दामों में गिरावट का दौर शुरू हुआ। 11 मई को सरिये के दाम 61,525 रुपये प्रति टन पर पहुंच गए। मई और जून सरिये की मांग के लिहाज से वर्ष के सबसे बेहतर महीने माने जाते हैं। इन दिनों में निर्माण के काम शुरू भी होते हैं और बारिश के पहले तेजी पकड़ते हैं। इससे सरिये की बिक्री भी खूब होती है। बीते 2 साल से कोरोना के कारण व्यापार अटका रहा। इस साल तेजी मंदी के कारण व्यापार करीब 40% ही रह गया है। कारोबारियों के मुताबिक ताजा स्थिति यह है कि उनके गोदाम पर माल पहुंचने के पहले ही उन्हें घाटा हो जाता है। लोखंड वाला के अनुसार कंपनी में माल बुक करवा कर पैसे दे देते हैं, 2-3 दिन में गाड़ी आती है, दाम गिरते हैं और गोदाम तक पहुंचते हुए ही 1.25 लाख का घाटा हो जाता है। पहले अचानक बड़ी महंगाई से छोटे व्यापारी माल खरीद नहीं पा रहे थे। रोज हजारों में हो रही गिरावट से वे अब घाटे से डूबते ही जा रहे हैं। तो यानी कि निचले स्तरों पर भी जो सरिये की मांग है वो भी प्रभावित हो रखी है, और जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने भी अब इसको स्टॉक करना कम कर दिया है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आगे सरिये के दाम कैसे देखने को मिलेंगे।